हम जैसे लोग जहाँ मेहनत कर रहे हैं, एक तो इतनी मुश्किल से बढ़ रहे हैं आगे, जिसमें भी लोग लगे रहते हैं परेशान करने के लिए, बताइए क्या जाता है उनको हमें परेशान करने में। हम परिवार चलाते हैं, जिस जो पैसा कमाते हैं अपना परिवार में चलाते हैं, क्या हम जैसे लोगों को बढ़ने नहीं दोगे आप? जो बड़े लोग हैं जो बढ़ रहे हैं आगे जो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो चुका है मॉर्निंग का। हम तो मस्त नहावा के फ्रेश हो गए गाइस। उसके बाद आपको पता है कि हम लखनऊ गए थे, लखनऊ से हम फिर वापस आ चुके हैं। आज पापा जी काम पे चले गए हैं, मम्मी अभी आएंगे तो मस्त खाना वाना बनाएंगे, वीडियो को शूट करेंगे, क्योंकि दिन के 11 बजे हैं तो 2-3 वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इधर आ चुके हैं मम्मी जी। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग मेरे बेटा बेटी भाई बहन, और हमको भी आशीर्वाद दे दीजिए। चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो वगैरह हमने शूट कर लिया, भोपू लेकर के आई थी मम्मी ये, तो आराम से वीडियो शूट हो चुका अच्छे से। तो फोन का लॉक खोलते हैं और वीडियो को ट्रांसफर करते हैं, फटाफट वीडियो का एडिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मस्त खाना खाएंगे। दोस्तों भूख बहुत जोर से लगा हुआ है और टाइम आप लोग देख ही सकते हो क्या हो रहा है। ये देखिए 12:25, इतना लेट। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मस्त मम्मी जी चावल निकाल दिया और आलू दम सब्जी बनाई हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और आप यकीन नहीं करोगे दोपहर का 1 बज रहा है। पापा खाना खाए थे मम्मी मॉर्निंग में? हाँ। अच्छा चलिए, पापा खाना खा ली, कोई बात नहीं, मस्त। तो आप सभी लोग आइए, मम्मी जितना बेटा बेटी है सबको बुलाओ खाना खाने के लिए। उधर से जितना बेटा बेटी है सब आ करके मम्मी के हाथ से चावल और सब्जी खा लो। दोस्तों ठंड इतनी बढ़ गई है ना, सारा कपड़ा वगैरह जो है ना आराम से हम रख दे रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि पूरा घर का जो है ना इसमें पता नहीं एक मेटी होता है लगाने वाला, ठीक है, तो वो लगवा देंगे अच्छे तरीके से, वो सस्ता ही पड़ जाएगा और ऐसा लगेगा पूरा घर जो है प्लस्तर हो गया। वो हम क्यों कर रहे हैं वो लास्ट में ही हम आपको बताएंगे। और अभी मम्मी जी के साथ में डिसीजन लेंगे, पापा जी से डिसीजन लेंगे कि शाम तक जो है मेटी हम लगवा दें पूरा घर में। वो क्यों कर रहे हैं वो तो लास्ट में बताएंगे, अभी हमने बोल ही दिया है क्योंकि अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि साइड में एक स्नान घर बना दें, तो अभी फिर छत वगैरह को तोड़ना पड़े तो ठीक नहीं लगेगा। टंकी लगवा देंगे हम, बेसिंग मशीन लगवा देंगे, बेसिंग मशीन होता है बर्तन होता धुलने के लिए, तो मम्मी को भी नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऊपर से अपना खड़े खड़े अपना बर्तन वगैरह रखेगी, पाइप लगा रहेगा, आराम से बर्तन वगैरह धुल लेगी, तो ये सबसे बढ़िया सुविधा हो जाएगा हमारे, सबसे बेस्ट रहेगा। और लाइट तो यहाँ 24 घंटा आते रहते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। फिलहाल ये सब कपड़ा वगैरह सहत लेते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे हो सकता है तो शाहपुर पटोरी, वहाँ पे मिट्टी के बारे में पूछेंगे। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे ना कि वो जो बाथरूम है उस जगह पे हम लोग जो है ना नहाने वाने का वॉशरूम भी बनाने का हम सोच रहे थे, तो मम्मी को हम वही समझा रहे थे कि वहाँ पे एक गेट लगा हुआ है बाथरूम में और उसी जगह से एक और गेट लगवा देंगे, ताकि जो है मतलब मम्मी उम्मी और बहन हन आए तो नहाने वहने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। अब खुला हुआ में क्या है कि हम लोग नहा लेते हैं, ठीक है, आदत है तो नहा लेंगे, पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग ही सोच के देखिए, ठीक है। तो वही मम्मी को हम समझा रहे हैं तो मम्मी को समझे नहीं आ रहा, मम्मी के समझ ना नोट चाहिए, नोट 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 सब काम हो जाएगा, नोट रहेगा। अच्छा हम नोट ला के देंगे। तो मम्मी बोल रही है कि बहू आएगी तो अलमारी भरने के लिए सामान होना चाहिए ना, तो अलमारी भी मिल जाए कोई बात नहीं, तो चलिए पलंग भी देख लेंगे साथ ही साथ। अभी चौकी है ते है। ओहो आप बताइए दोस्तों, चौकी पे आजकल कौन सा होता है बताइए? पलंग जैसे कि हो जाएगा तो हम लोग के लिए, जैसे मम्मी हम बोले कि पलंग होगा ना तो हम मेरा ही सुविधा रहेगा, जैसे क्या होगा कि उसी में चार्जिंग उर्जिंग का व्यवस्था लगवा लेंगे दोस्तों, ठीक है, बगल से चार्जिंग का व्यवस्था लगवा लेंगे, उसमें अपना डिक्की रहेगा तो उसमें अपना डॉक्यूमेंट वगैरह कोई कोई काम के लिए अपना रखे रहेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि काफ़ी दिनों से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि बाहर में घर बनाने का भी कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत चल रहा है, और साथ ही साथ जो है ना हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक दरवाज़ा लगवा दें, ठीक है, इस जगह पे अब ये तो मम्मी पापा ही डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों हमारा ट्रेन भी कैंसिल हो गया, लखनऊ भी नहीं जा पाए, कानपुर भी नहीं जा पाए, अयोध्या भी जाना था वहाँ भी नहीं जा पाए। आपको हम सच बताएं, हाजीपुर से हमारे पटना से और हमारे शाहपुर पटोरी से आप सर्च मारिएगा, अयोध्या के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। ट्रेन है भी तो सारे के सारे टिकट बुक है और ऊपर से कैंसिल है, ठीक है, और ट्रेन है तो साप्ताहिक है वो भी 22 जनवरी के बाद, तो इसलिए अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, मैं करूँ से क्या ही करूँ। तो उत्तर प्रदेश चले जाते तो कहीं बाइक वगैरह चाहे ऑटो ऑटो पकड़ के या फिर बस पकड़ के जो है 100-150 किलोमीटर कानपुर से गोंडा साइड से बस्ती साइड से पड़ जाता है, तो उधर ही से होते हुए गोरखपुर साइड से भी जा सकते थे, लेकिन अब हम बिहार में हैं तो करे से क्या करें। तो दोस्तों भी हो चुका इवनिंग का टाइम, तो घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमको वीडियो भी शूट करना है। कमरा को हमने साफ़ कर लिया जिसमें अभी हमने शॉर्ट वीडियो को शूट किया है, क्योंकि घर रोज रोज साफ होता है ना तो थोड़ा सा चिकना लगता है दोस्तों। मकर संक्रांति को ये तिलवा है और तिलकुट है, तुम्हारा हिस्सा बचा हुआ है, खा लो, ये सब कपड़ा तुम्हारा साफ हुआ है ज्यादा रखने के लिए। अरे वाह, देखिए मम्मी जी बचा करके रखी हुई है, क्या है मम्मी इसमें?
इसमें तिलवा है, तिलकुट है, और टिकिया भी। अच्छा चलिए मस्त मजा आ जाएगा खाकर। मम्मी का हाथों का टिकिया जो है ना, मम्मी का पुतों के घर में हमारे ससुराल में चारों तरफ एकदम चर्चा है दोस्तों, समझ रहे हैं। वहाँ पे ना मतलब सब लोग कहते हैं कि मम्मी का हाथों का पकवान मतलब अलग ही टेस्ट होता है। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं रात का टाइम, अभी घर की हो चुके अच्छे तरीके से साफ सफाई। पापा जी भी काम से आया नहीं है पूरा, लेकिन अंधेरा हो गया। देखते देखते दिन जो है समय बीतता चला जाता है, ना ही कुछ अच्छा कंटेंट दे पाते हैं, ना ही कहीं घूम पाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सोच रहे थे ना अभी मीठा खाए इसलिए मुँह चपट कर रहा है, ठीक है लगा होगा यहाँ पे। हम सोच रहे ना कि अयोध्या जाए घूमने के लिए, लेकिन अभी जैसे कि आप लोग हम जिक्र किए पर कोई ट्रेन ही नहीं चल रहा है, तो हमें जाना होगा यहाँ से गोंडा, फिर गोंडा से फिर हमको ट्रेन जो है एक्सचेंज करके जाना पड़ेगा। हम देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप लोग ये देखिए पूरा घर की साफ सफाई, इधर मम्मी शायद कपड़ा वड़ा साफ़ किया ना, तो पूरा जो है नीचे गीला हुआ है। चलिए पापा जी आते हैं, पापा से मिलवाते हैं, मस्त खाना वाना बनता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी रात का टाइम हो गया जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, तो अभी मम्मी निकाली है गेहूँ का आटा, रोटी बनेगा। पापा जी काम पर से आ गए ना मम्मी, हाँ। देख सकते हैं मम्मी आटा चाल रही है और गरम गरम रोटी बनेगा मस्त, हम लोग खाएंगे अभी क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। और मॉर्निंग के टाइम में क्या बनाई थी मम्मी सब्जी, आलू की सोयाबीन टमाटर। हाँ। इधर देख सकते हैं पापा जी भी काम से आ ही चुके हैं। हो गया पापा काम? हाँ। अब कितना दिन का काम है? अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम। मिस्त्री साहब कब फ्री होंगे? दो रोज बाद ही। मिस्त्री का भी काम ही नहीं है, कल हम जाएंगे काम करेंगे, परसों से जाएंगे। तो दोस्तों अभी पापा आए हैं तो दरवाजा के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए इस प्रकार से कुछ, ये तो एक पल वाला है ना पापा? 11,000 की है। 11,000 का? अच्छा अच्छा, तो मतलब 20-22,000 30,000 तो हो ही जाएगा, वो 30,000 मान के चले। हाँ ज्यादा ही होगा, मम्मी चिल्ला रही है ज्यादा महंगा होगा ये, घर के उधर लगाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। देखिए 90 रुपए किलो लोहा, बरसा में सर्वे ना करते के मारे। तो फिर कौन दरवाजा फिर लगा? तो कौन दरवाजा लगाए पापा फिर? तो कौन लगाता है तो ये बिना बिना छौनी के सर जाते के मारे। तो प्राची रास्ते में सीधा हां छौनी मतलब ऊपर के बचा हुआ। हाँ तो वो तो बन जाजे बनते ही ना, तो जा ढलवा दियो। तो आज खाने में बनाया एकदम मस्त, प्याज मम्मी से भुजवाएं क्योंकि सब्जी बना हुआ था, तो मॉर्निंग का सब्जी तो थोड़ा सा चटक पटक खाना था, तो प्याज मम्मी जी भूज दी, इसमें जो है चावल मस्त रख दिए है। और यहाँ पे देखिए एकदम गर्मा गर्म रोटी मस्त एकदम। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक प्रॉब्लम आ गया है और ये हर जगह प्रॉब्लम आता है, यूट्यूब पे भी आता ही रहता है। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लोग सोचते हैं कि दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोग भी सोचते रहते हो कि भैया आपके इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन है तो वहाँ बहुत पैसे आते होंगे, यूट्यूब से आते होंगे। हम आपको बता दें कि जितना हम लोग इंस्टाग्राम पे मेहनत करते हैं ना, अगर वो मेहनत अगर यूट्यूब पे दिखा दे तो शायद हमारा यूट्यूब आज 10 मिलियन के बराबर होता। ठीक है, जितना हमने इंस्टाग्राम पे किया है, तो कहीं ना कहीं डर सा लगा रहता है कि कहीं अकाउंट ना रिमूव हो जाए। ठीक है, तो क्या ही बोले, अगर ऐसा कुछ होता है हमारे आईडी वगैरह या फिर कोई चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे क्योंकि इसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा हम सख्ती मतलब जो है कदम उठा रहे हैं कि हम जैसे लोग जो हम मेहनत कर रहे हैं, एक तो इतनी मुश्किल से बढ़ रहे हैं आगे, जिसमें भी लोग लगे रहते हैं परेशान करने के लिए, इसके अलावा भी हमें करना होगा, जैसे बिजनेस वगैरह होगा वो भी करना होगा, ताकि जो है हम यूट्यूब पे ही ज़्यादातर डिपेंडेंट ना रहें। लेकिन हम लोग सोच रखे थे कि यूट्यूब पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, आज मम्मी पापा को हम बताएं कि ये सोशल मीडिया चीज़ है, कब डिलीट हो जाए, कब हट जाए, लेकिन अपना लाइफ में जो अपना खुद का बिजनेस होगा, खुद का जॉब होगा, वो सबसे बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट, आदि से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट। चैनल पे नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बगल में इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लीजिए, यहाँ भी फॉलो करिए, आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। अपना क्यों निकाल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत